अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ उसामा मजीद। टुडे माय लेक्चर इज़ फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है। टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। दो अतराफ रेक्टेंगल के डिफर है, मुख्तलिफ है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड करना डायमेंशंस रेक्टेंगल का इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर, अगर उसका पेरीमीटर 67 सेंटीमीटर हो। फर्स्ट में स्टूडेंट्स लेट करेंगे, एक्स इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, और लेट करेंगे वाई इज द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। एक्स और वाई को स्टूडेंट्स माइनस करें, ये इक्वल है 3.5 सेंटीमीटर के। तो स्टूडेंट्स एक्स माइनस वाई इक्वल आ गया 3.5 के। पेरीमीटर गिवन था इक्वल 67 सेंटीमीटर के। तो स्टूडेंट्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2x प्लस 2y इक्वल हो जाएगा ये 67 के। लेफ्ट साइड से 2 कॉमन आ जाएगा इनटू x प्लस y इक्वल टू 67। लेफ्ट साइड पे x प्लस y रहेंगे इक्वल टू 67, और 2 राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स एक्स प्लस वाई इक्वल आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 67 को 2 से, तो 33.5। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में था x माइनस वाई इक्वल टू 3.5, और सेकंड में था x प्लस वाई इक्वल टू 33.5। नंबर्स को स्टूडेंट सेपरेट कर लेंगे, जो x और y से पहले आ रहे हैं 1 माइनस 1, 1 और प्लस 1, इनको सेपरेट कर लिया है। एक्स वाई को सेपरेट कर लिया है, इक्वल टू के राइट साइड पे जो नंबर्स थे 3.5 और 33.5, उनको सेपरेट कर लिया है। फर्स्ट वाला ए है, सेकंड वाला एक्स है, इक्वल टू के राइट साइड पे बी है। एक्स इक्वल टू ए राइट साइड पे आके इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स बी। अब स्टूडेंट्स ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इक्वल है स्टूडेंट्स इसमें 1 माइनस 1, 1, 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे इक्वल टू, फर्स्ट में नंबर्स को एज इट इज राइट करेंगे 1 माइनस 1, 1, 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में माइनस इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जार 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1 प्लस करेंगे 1 प्लस 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल आ जाएगा 2 के। अब स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। इन दोनों जो स्टूडेंट्स डायगोनल में है नंबर्स 1, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, और जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। एडजॉइंट जब भी स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं, ये जो डायगोनल नंबर्स हैं इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज। माइनस 1 है प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 और ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ इक्वल आ गया, डायगोनल नंबर्स की जगह चेंज हो गई है 1 और 1 की, और ये 1 प्लस का हो गया और ये 1 माइनस का हो गया। वैल्यूज को पुट करेंगे स्टूडेंट्स, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए में, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल था 1, 1 माइनस 1, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्टूडेंट्स इक्वल था 2 के। अब स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट को सेपरेट कर लेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू 1, 1, 2 सेपरेट हो गया, और नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स एडजॉइंट की वैल्यू है 1, 1, माइनस 1 और 1, इसको सेपरेट कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स वैल्यूज को पुट कर देंगे, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स इक्वल था एक्स वाई के इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल है 1 ओवर 2 इनटू 1 1 माइनस 1 1, वो पुट कर दिया स्टूडेंट्स, और बी इक्वल है 3.5 और 33.5 के, वो पुट कर दिया है। अब स्टूडेंट्स एडजॉइंट और स्टूडेंट्स बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स वाई इक्वल टू 1 ओवर 2 एज इट इज, 1 मल्टीप्लाई बाय 3.5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 33.5, सेकेंड में माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3.5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 33.5। एक्स वाई इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 2 एज इट इज, 1 मल्टीप्लाई 3.5 3.5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 33.5 33.5 आ जाएगा। माइनस 1 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3.5 प्लस 1 33.5 से मल्टीप्लाई हो गया आ जाएगा प्लस का 33.5। एक्स वाई इक्वल टू 1 ओवर 2 स्टूडेंट्स एज इट इज प्लस करेंगे 3.5 प्लस 33.5 को, तो ये 37 आ जाएगा। 33.5 में से माइनस करेंगे 3.5 को, तो ये 30 आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स को स्टूडेंट्स 2 से डिवाइड करेंगे, एक्स वाई इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाय 2, 30 डिवाइडेड बाय 2। एक्स वाई इक्वल टू 37 को 2 से डिवाइड करेंगे 18.5 आ जाएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक्स इक्वल आ गया 18.5 सेंटीमीटर के, और वाई इक्वल आ गया 15 सेंटीमीटर के। सेकेंड नंबर पर इसको सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल से। फर्स्ट में है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3.5, सेकंड में है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 33.5। नंबर्स को सेपरेट कर लेंगे, जो एक्स और वाई से पहले आ रहे हैं 1 माइनस 1, 1, 1, एक्स वाई को सेपरेट कर लेंगे इक्वल टू के राइट साइड पे जो नंबर्स हैं 3.5 और 33.5, इनको सेपरेट कर लेंगे। फर्स्ट वाला ए है, सेकंड वाला एक्स है, इक्वल टू के राइट साइड पे बी है। अब स्टूडेंट्स इसमें ए इक्वल है 1 माइनस 1, 1, 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट में नंबर्स को एज इट इज राइट करेंगे 1
माइनस वन 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 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू वन मल्टीप्लाई बाय वन, दरमियान में माइनस इंटू वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू वन मल्टीप्लाई वन वन माइनस माइनस प्लस वन वन जार वन वन प्लस वन, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल आ जाएगा टू के। अब स्टूडेंट्स क्रैमर्स रूल में फर्स्ट में ए एक्स फाइंड करते हैं, फर्स्ट कॉलम में जो बी के नंबर्स हैं उनको राइट करेंगे 3.5 को और 33.5 को, और स्टूडेंट्स सेकंड कॉलम में जो वाई से पहले नंबर्स आ रहे हैं माइनस वन और प्लस वन उनको राइट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ए एक्स इक्वल आ गया फर्स्ट कॉलम में बी के नंबर्स 3.5 और 33.5, सेकंड कॉलम में y से जो पहले नंबर्स आ रहे हैं माइनस वन और प्लस वन, और ए वाई स्टूडेंट्स इक्वल होता है फर्स्ट में जो x से पहले नंबर्स आ रहे हैं वन प्लस वन फर्स्ट कॉलम में उनको राइट करेंगे, सेकंड कॉलम में बी के नंबर्स को राइट करेंगे 3.5 और 33.5 को। तो ए वाई स्टूडेंट्स इक्वल आ गया है फर्स्ट कॉलम में एक्स से पहले जो नंबर्स आ रहे थे वन प्लस वन और वन, और स्टूडेंट्स सेकंड कॉलम में 3.5 और 33.5 जो बी के नंबर से। अब स्टूडेंट्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इक्वल टू फर्स्ट में नंबर्स को एज इट इज राइट करेंगे 3.5 माइनस वन 33.5 और वन, ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई वन माइनस 33.5 मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस 33.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 33.5 आ जाएगा, प्लस करेंगे स्टूडेंट्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा 37 के। ए वाई डिटर्मिनेंट लेंगे स्टूडेंट्स इक्वल टू फर्स्ट में नंबर्स को एज इट इज राइट करेंगे 1 3.5 1 33.5। अब स्टूडेंट्स ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 33.5, दरमियान में माइनस इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 3.5, ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 को 33.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 33.5 आ जाएगा, माइनस 1 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 आ जाएगा, माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा 30 के। एक्स इक्वल होता है क्रैमर्स रूल में ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स 37 है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्टूडेंट्स 2 के इक्वल है। 37 को 2 से डिवाइड करेंगे एक्स इक्वल आ जाएगा 18.5। वाई इक्वल होता है स्टूडेंट्स क्रैमर्स रूल में ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वाई इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट 30 है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 है, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे वाई इक्वल आ जाएगा 15 के। तो स्टूडेंट्स क्रैमर्स रूल में भी एक्स इक्वल आ गया 18.5 सेंटीमीटर के और वाई इक्वल आ गया 15 सेंटीमीटर के। स्टूडेंट्स टुडे इज योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.6 हैव बीन कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.6 देन यू विल कमेंट मी। अल्लाह हाफिज़।